इस समय हम ठाठरी के नई बस्ती इलाके में हैं, जहां पर आपको मैं बता दूं चिनाब के किनारे का ये एक इलाका है जहां पे इस समय हम मौजूद हैं। और लगभग जो है वो लोगों से बताया जा रहा था कि लगभग दिसंबर से ही जो है यहाँ पे घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने जो है वो ध्यान नहीं दिया और आज इस तरह की जो है वो नौबत पहुँच गई है कि लगभग जो है वो 20 से अधिक मकान या लगभग जो है वो 20 के आसपास के जो है वो मकान जो हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं, जिनके अंदर बिल्कुल क्रैक आ चुके हैं। नीचे एक मकान आप देख सकते हैं, ये एक नहीं यहाँ पे अनेक मकान इस तरह के हैं, लगभग 20 के आसपास मकान हैं जो बिल्कुल अभी इस समय टूट चुके हैं और इस जो ज़मीन है बिल्कुल खोखली हो चुकी है और बिल्कुल नीचे की तरफ जो है वो दस्ते जा रही है। ये तस्वीरें आपको इस समय हम ठाठरी नई बस्ती की जो है वो दिखा रहे हैं, बिल्कुल चिनाब के किनारे के जो है वो इलाका है। और लगातार दो तीन दिन से जो है इस समय हम देख रहे थे कि किस तरह से दो तीन दिन से जो है वो लगातार यहाँ पे मकान जो हैं उनमें दरारें पड़ी जा रही थी और दरारों के साथ साथ जो मकान है लगभग 20 के आसपास मकान जो हैं वो टूट गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोकल हैंड से बात करेंगे, आप देखेंगे कि साथ में अभी भी कुछ समय पहले ही यहाँ पे नीचे जो मकान है वो अभी फिर से उसकी दीवारें जो है वो टूटी दसना शुरू हो गया और दस्ते जो है मैं आपको बता दूँ जो दसना यहाँ पर शुरू हो गया और वो तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन उसी समय पूरे यहाँ के इलाके के लोगों में डर का माहौल है, जबकि यहाँ पर पुलिस यहाँ पे है, एसडीएम ठाठरी यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोग जो है वो डर के माहौल में हैं क्योंकि ज़मीन जो है वो खिसक रही है। इस समय यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये सभी यहाँ के लोकल हैं, इनसे नाम जानने की कोशिश करेंगे। इसे नाम जाना चाहूँगा, जाफर हुसैन। कहाँ से हैं आप? हम लोकल हैं, यहाँ के लोकल हैं। आप मुझे बताएं कि आखिर ये वाक्य कब से शुरू हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई, कब इस तरह का कहर जो है वो? एटलीस्ट पिछले 2 वीक से हम ऐसा मतलब अनकम्फर्टेबल थोड़ा फील कर रहे थे क्योंकि कुछ नॉर्मल सी क्रैकिंग्स आ रही थी, लेकिन एक हफ्ता जब हुआ उसके नेक्स्ट वीक में हमने ये क्रैकिंग्स जो है और ज़्यादा मतलब एक्सपेंड होती गई। तो जब हमने ऐसी फीलिंग फील किया तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल अप किया, तो हमने ये कहा कि हमें कुछ खतरे तो हैं। फिर नॉर्मली यहाँ पे SHO साहब विज़िट किए, उन्होंने भी देखा, SDM साहब आए, तो उसके बाद लगातार मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ, आप देखेंगे ज़मीन के जितने भी ये स्टेप ले रही है नीचे की तरफ जा रही है। तो हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहा कि नीचे रोड में जो कटिंग हुई है तो शायद ये मेजर एक काज हो सकता है। तो फिर उन जियोलॉजिकल टीम एक आई तो उन्होंने ग्राउंड पे सर्वे किया, तो उनकी सर्वे से ये एग्जीबिशन टाइम पे हमें मिली कि वो ही एक मतलब मेजर इशू नहीं है, बल्कि इसको एक सीवेज जो वाटर यहाँ पे डिप कर रहा था पिछले लास्ट 30 ईयर से, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसने नीचे से ज़मीन को मतलब पूरा दलदल क्रिएट किया है जिसकी वजह से ये सिंक हो रहा है। जी आप मुझे बताएँ कि कितने मकानों को जो है वो नुकसान हुआ, और हमें ये भी सुनने को मिला लोकल यहाँ पे कह रहे थे लगभग ये दिसंबर से ही शुरू हो गया था लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता, काफ़ी लॉन्ग टाइम से तो नहीं है, अब ये बिल्कुल रिसेंटली हमें ऐसा फील हुआ है। और सबसे पहली बात कि एक वीक की बात करूँगा, एक वीक से दो चार हाउसेस जो थे वो मतलब हमें ऐसा लग रहा था वो इफेक्ट हुए हैं, क्रैक्स आए हैं, लेकिन लगातार क्रैक्स बढ़ रहे हैं। अभी इसके इफेक्ट में 20 हाउसेज जो है 20 फैमिलीज मतलब जो डिस्ट्रक्शन में आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से क्रैकिंग उधर उस साइड की तरफ जा रही हैं तो ये बहुत सारे मकानों को अभी भी हिट कर सकता है, अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत सारे मकानों को ये हिट कर सकता है, ये यहाँ के ये जो हाईवे है इसको हिट करके जाएगा। और जियोलॉजिकल सर्वे से ये हुआ है कि काफ़ी ऊपर से यानी स्लाइड होके आ जाएगा, तो फिर तो उससे काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर माना जाएगा, ये ठाठरी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर माना जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस समय
अफरा तफरी सब में देखी जा रही है, डर का माहौल सबके अंदर है क्योंकि इस तरह का हादसा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ठाठरी के मुकाम पे। तो क्या लगता है आपको इस समय क्या स्टेप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो उठाने चाहिए? देखिए, फियर तो क्रिएट हुआ है, डर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इससे बड़े में, छोटे में, बच्चों में, मतलब वो एक अंदर से वो फीलिंग्स आ रही है कि न जाने हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जहाँ तक जो एक्यूट और माइन्यूट स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर लोगों को एक अकोमोडेशन के लिए बॉयज़ हायर सेकेंडरी दे दी है, चलो वो स्टेप तो ले लिया। उसके बाद देखा जाए तो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा वो भी यहाँ विजिट किए, उसके बाद मतलब जो जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था अभी तक वो किया, ऐसी बात नहीं है। अभी के बाद भी मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिवली जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे ग्राउंड पे वो तो टेकअप करेगी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से तो फिलहाल कोई ऐसा शिकवा नहीं है कि नहीं किया, फिलहाल किया उन्होंने। तो अभी जो लोग यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं तो उनके लिए खाने पीने का, उनकी बेडिंग का अरेंजमेंट तो हो चुका है। अभी एसडीएम साहब का इंटरव्यू हुआ तो अभी से पहले तो एसडीएम साहब ने कहा कि हाँ, हमने उनको अरेंजमेंट करके दे दिया है। किसी को जानी नुकसान जो है वो तो नहीं देखने को मिला इसमें? अभी लाइफ लॉस तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर यहाँ पे जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पुलिस नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर डेलिबरेटली कोई आ रहा है वो हुक करके नीचे जा रहा था, अगर ये किसी भी वक्त स्लाइड पुश करके नीचे गया तो कहीं ना कहीं लाइफ लॉस पॉसिबल है। लेकिन पुलिस यहाँ आसपास देखने को मिल रही है, उन्होंने जहाँ जहाँ जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे, जहाँ पे डेंजर एरियाज थे, वहाँ से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन की है कि यहाँ से कोई बंदा ट्रैवल करके इसके सेंटर में नहीं आएगा। फिलहाल तो नहीं आ रहे हैं, और नीचे तो मुझे लग रहा है हर एक इंसान जहाँ जिस हिसाब तक उसको देख रहा है, देखने के बाद वो खुद ही ऐसा डिसाइड कर रहा है कि मुझे इस एरिया में नहीं जाना चाहिए। अभी तक लाइफ लॉस पॉसिबल देखने को नहीं मिला, कोई भी बंदा हिट भी नहीं हुआ अभी तक, फिजिकली हिट नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है। तो अभी के बाद क्या कहा जा सकता है कि अभी जियोलॉजिकल टीम जो आई है अभी ग्राउंड लेवल पे वो और सर्वे करेगी, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें एक कुछ और न्यू स्टेप्स क्या एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप करने हैं, पब्लिक के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। और अभी इन्होंने, हमने जो ये पब्लिक है जो हिट नहीं भी हुए हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको भी मकान खाली कराया है, क्योंकि ना जाने क्रैक्स अगर आगे चले गए तो बहुत सारे लोगों के मकानों को हिट कर सकता है और नाइट के लिए ज़्यादा डेंजर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मुकामी लोग थे, मुकामी लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, और जिस तरह से मैंने कहा कि हमें पहले ये सुनने को मिला जिस तरह से दिसंबर के समय से जो है एक क्रैक्स यहाँ पे थे, लेकिन प्रशासन ने जो है वो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो है वो क्लियर किया कि प्रशासन भी जो है वो पूरा पूरा ध्यान यहाँ पर दे रही है। इस समय आप देखेंगे कि तस्वीरें खुद आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया, यहाँ से आप लेके जो है तीन चार मकान और वहाँ पे ले जाएंगे, मस्जिद साथ में है, तो इनके अंदर जो है पूरी तरह क्रैक्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, और ज़मीन जो है वो पूरी खोखली हो चुकी है और नीचे की तरफ जो है वो धंसना शुरू हो गई है। मगर शुरुआत अगर मैं आपको करूँगा तो आप मेरे साथ ज़रूर जो है वो पीछे तक आएंगे, मैं आपको ज़रूर तस्वीरों में ये भी दिखाऊंगा कि काफ़ी ख़तरा जो है वो इस जगह पे हमें इस समय देखने को मिल रहा है, रोड पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ कि अबाबील, कभी भी कुछ भी हो, अबाबील की टीम हमें हमेशा हर बार दिखती है, तो यहाँ पे भी अबाबील की जो है वो टीम हमें बिल्कुल जो है वो देखने को मिल रही है, काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ से। लेकिन आप यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि क्रैक्स जो हैं यहाँ पर, ये रोड के बीच में है, ये डंगा जो है यहाँ पर दिया गया है, ये भी जो है वो खिसक रही है। लेकिन आप नीचे की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हालात है, क्या हाल है, क्या देखने को मिल रहा है इस समय, ये तस्वीरें आप खुद अपनी आंखों से जो है वो देख रहे हैं। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ठाठरी जो है यहाँ पे, इस इलाके की आप तस्वीरें देख रहे हैं, और क्रैक्स आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इससे के अलावा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्रैक्स यहाँ पे नहीं, पूरी रोड पे अगर आपको मैं बता दूं, रोड्स पे भी जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो चुके हैं, पड़ना शुरू हो चुके हैं, और ये आस्ता आस्ता जो है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी कि एक समय में किस तरह से जो है वो उत्तराखंड जो है जोशी मठ के अंदर जो है वो इस तरह का हादसा जो है, डिजास्टर हमें जो है वो देखने को मिला था, वही हादसा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ठाठरी के अंदर। एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो माना जा रहा है ठाठरी के अंदर की, एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है वो यहाँ पे हुआ है और हो सकता है अभी। तो आप खुद तस्वीरें जो है वो ठाठरी की इस समय देख रहे हैं। लेकिन खुशी की बात तब होती है, हमें अच्छा तब लगता है कि जब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर जब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रशासन पूरा पूरा साथ देती है, प्रशासन जो है वो कंधे से
से कंधा जो है वो खड़ा करती है इन लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, और ख़ास करके कभी भी कुछ भी होता है तो अबाबील की टीम जो है, अबाबील हमेशा वहाँ पर पहुँचती है, रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाती है, और कभी भी कहीं पर भी कितनी भी मुश्किल एरियाज़ होंगे उन एरियाज़ में भी हमें जो है वो अबाबील जो है वो देखने को मिलती है। तो इनका भी हम धन्यवाद ज़रूर करेंगे कि आप वक्त पर जो है वो पहुँचते हैं। और इस समय भी तस्वीरें आपको ठाठरी की समय हम दिखा रहे हैं, बाकियों से भी जो है वो बातचीत करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और जानने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो उनके लिए सहायता जो है वो सरकार अनुसार की जा रही है। अब हमारे साथ एक और मुकामी शख्स हैं और इनका भी घर जो है वो हिट हुआ है इस डिजास्टर में, इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। पहले नाम जानना चाहूँगा आपका। सर मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है। आपका कब आपको फील हुआ कि ऐसा कुछ हुआ, और जानना चाहूँगा पूरी बातचीत जानना चाहूँगा। सर 26 जनवरी के दिन थोड़ी क्रेक्स आई मकान में, माइनर जैसी क्रेक थी, तो हमने उतना लिया नहीं सीरियसली कि क्या है, होता रहता है अब माइनर क्रेक आते, तो उसके बाद दिन ब दिन बढ़ती गई क्रेकिंग, तो उसके बाद आप देखो ये आपके सामने ही सारा हाल क्या है। तो अभी कौन सा ये वाला घर है आपका? हाँ ये सामने मेरा घर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, समय पार आप सामने घर देख सकते हैं और हालत आप इसकी ख़राब जो है वो देखेंगे, बिल्कुल जो है वो हिट हो चुका है, क्रैक्स इसमें आ चुके हैं। ऊपर से भी जो है हमने तस्वीरें आपको रोड से जो है वो तस्वीरें दिखाई थी इस घर की, इन्हीं शख्स का जो है ये घर है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, हमारा साथ दे रही है अच्छे से, जो भी उनके पास है वो सब आ रहे हैं यहाँ पर देख के जा रहे हैं, जितना है उतना और अलाटमेंट वगैरह कर रहे हैं, बात की कर देंगे अलाटमेंट वगैरह कहीं ना कहीं। तो फैमिली में आप कितने जन हैं? क्या फैमिली में हम सर 7 जने हैं। हाँ जी, तो पापा हमारे पुलिस में हैं, वो अभी भी ड्यूटी पे हैं, जब से डिजास्टर हुआ है ड्यूटी अनुसार अंजाम दे रहे हैं, तो वो ड्यूटी पे हैं आज भी। तो अभी आपकी तरफ से किस तरह का, क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है, घर पूरा तहस नहस हो जाना, तो क्या कुछ कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सर फील अब क्या करना है, आपको पता ही है जिन पूरी ज़िंदगी की कमाई है पापा की, उन्होंने जो भी है तो यहीं पर लगाया है, तो अभी आपके सामने ये सारा हाल डिज़ास्टर, अब नेचुरली को हो या किसी ने नीचे से मशीन लगाई वगैरह उनकी वजह से हुआ, जो भी है तो आप वो पता चलेगा, जियोलॉजिस्ट वगैरह आएंगे तो पता लग जाएगा क्या है क्या। तो अभी उससे पहले भी एक टीम यहाँ पे आई थी, उनकी तरफ से क्या कुछ बताया गया था, कुछ जानते हैं? अब मैं पता नहीं उन्होंने क्या बोला, बट ये है कि उन्होंने ये एरिया सारा बोला कि इसको खाली करवा दो, ये डेंजर है। तो लगभग कितना इलाका यहाँ से जो है वो खाली करवा दिया गया? यहाँ से लगभग 10 से 15 घर खाली करवा दिए गए हैं। 10 से 15? हाँ जी। उसके अलावा जो बाकी अभी जो आसपास वाले हैं उनको भी खाली करने के लिए बोल दिया है, तो वो भी आस्ते आस्ते खाली कर देंगे। तो ये हमारे साथ मुकामी लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, आपको बता दें कि काफ़ी बड़ा डिजास्टर जो है वो माना जा रहा है ठाठरी के अंदर और नवी बस्ती में, इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ साफ देख रहे हैं, पीछे घर है, इन्हीं शख्स का ये घर था जिनसे हम बात कर रहे थे, और पूरा तहस नहस इस समय हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। एक इंसान काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है वो अपना आशियाना, अपना घर जो है वो बनाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर नेचुरल डिजास्टर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर नेचुरल डिजास्टर है या मशीन नीचे से लगाई है या उसकी वजह से ये कुछ देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे क्या सच्चाई है, वो भी जल्द जो है वो पता लग जाएगा जिस समय यहाँ पर पूरी छानबीन जो है वो की जाएगी। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।